दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में आंदोलन कर रहे किसानों को अब देश के हर कोने से विभिन्न श्रमिक यूनियन का समर्थन प्राप्त होने लगा है। इसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के द्वारा विशाल रैली का आयोजन किया गया और किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए मजदूर और किसानों के पक्ष में जमकर नारेबाजी की गई। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के कलादास डहरिया ने बताया कि किसानों के ऊपर थोपे जाने वाले 4 बिल किस तरह से श्रमिकों को नुकसान पहुंचाएंगे और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा सहित पूरे देश भर में श्रमिक यूनियन किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। और आज प्रगतिशील सीमेंट श्रमिक संघ के जो साथी हैं और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति के साथी, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो दमन हो रहा है किसानों के ऊपर, वो भयानक बर्बर दमन है, उस दमन के खिलाफ आज ये कार्यक्रम है। और मजदूरों के जीवन के खिलवाड़ करने के लिए केंद्र सरकार जो 4 श्रम कोड ला रही है, जिसमें यूनियन बनाने का भी मामला ख़त्म हो जाएगा और न्यूनतम वेतन भी जो है वो ठेकेदार तय करेगा, तो इस तरीके के कानून के खिलाफ आज हमारा ये जुलूस है। देखिए, ये जो आंदोलन है वो संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से, हमको लोकतंत्र में जो अधिकार मिला है उस अधिकार के तहत हम जितना दूर तक आंदोलन हम जाना चाहें जाएंगे। इस आंदोलन को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के तहत हम ये आंदोलन कर रहे हैं।